2019 में नासा ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें ये फोटो अप्रैल 23 को लिया गया था, जबकि ये फोटो जुलाई 11 को। ये दोनों फोटो एक ही लेक के हैं और इस दो महीने में इस लेक का कलर ग्रीन से रेड हो गया था। यस दोस्तों, ये लेक है लेक उर्मिया विच इज इन ईरान, एंड एकदम सिमिलर चीज इंडिया में भी हुई है। लोनार क्रेटर विच इज इन महाराष्ट्र हैज टर्न फ्रॉम ग्रीन टू पिंक, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लोनार क्रेटर, हिस्ट्री ऑफ लोनार क्रेटर एंड व्हाई सच लेक्स चेंज देयर कलर एस्पेशली फ्रॉम ग्रीन टू रेड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जस्ट 10 महीने पहले मैंने लोनार क्रेटर विजिट किया था, एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो लोनार क्रेटर विजिट करने में तो कृपया मेरा ब्लॉग देखिए। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ लोनार क्रेटर। लोनार सरोवर महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में, एंड वो एक एलिवेशन पे है विच इज अराउंड 1800 फीट अबव सी लेवल। लोनार क्रेटर इज अ हाइपर वेलोसिटी मेटोरिटिक इम्पैक्ट क्रेटर, इसका मतलब होता है कि एक उल्का पिंड बहुत तेजी से धरती पे आके टकराई थी, एंड उसके कारण ये क्रेटर बना था, ये सरोवर बना। दिस इज द ओनली मेटोरिटिक इम्पैक्ट क्रेटर फॉर्म ऑन अ बसाल्ट रॉक। इसके साथ ये दुनिया में अकेला ऐसा सरोवर है जो कि हाईली सलाइन एंड हाईली अल्कलाइन। इसका पीएच है अराउंड 10.5 to 11, एंड इसी के कारण ये पूरे सरोवर में कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं है। क्रेटर की डेप्थ है अराउंड 150 meters, एंड इसका डायमीटर भी है अराउंड 1.8 kilometers, एंड अगर इसका हम एरिया देखने जाए तो इट्स अराउंड 11 to 12 lakh meters square। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ अल्टर होती है, एंड सारे लोकेशंस में कंसिस्टेंट भी नहीं है। इसका मेन रीज़न है बसाल्ट रॉक का ग्रैनुलर डिज़ाइन। बसाल्ट रॉक का ग्रैनुलर डिज़ाइन अल्टर होता है एट हाई इम्पैक्ट एंड हाई टेम्परेचर, एंड क्योंकि ये हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर है इसका ग्रैनुलर डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आपको बसाल्ट रॉक के ग्रैनुलर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है या अगर आप मटेरियल साइंस के फील्ड से हो तो मैं एक पेपर लिंक करता हूँ डिस्क्रिप्शन में जो कि है अबाउट मटेरियल साइंस ऑफ बसाल्ट रॉक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट लोनार क्रेटर। लोनार क्रेटर के पेरिफेरी में एक जंगल भी है, एंड उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स देखे जाते हैं। जब मैं वहाँ गया था तो मुझे वाइल्ड बोर दिखा था, लंगूर भी दिखे थे, एंड पिकॉक के काफ़ी आवाज़ भी आए थे। सो इन 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दिस एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इसके कारण ये पूरा क्रेटर आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता। नाउ ऐसा नहीं है कि अकेला क्रेटर है इंडिया में, इसके अलावा दो और भी क्रेटर है। सबसे पहला है धल्ला क्रेटर विच इज़ इन झांसी मध्य प्रदेश, एंड उसका डायमीटर है अराउंड 14 kilometers, एंड उसके बाद आता है रामगढ़ क्रेटर विच इज़ नियर कोटा इन राजस्थान, एंड उसका डायमीटर भी अराउंड 3.5 kilometers। ये दोनों क्रेटर्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये दोनों क्रेटर में पानी नहीं है, इसलिए लोनार क्रेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है ओवर दिस टू क्रेटर्स। सो अगर हिस्ट्री के बारे में बात किए जाए तो ऐसा माना जाता है कि 52,000 ईयर्स पहले ये क्रेटर बना था, जो इम्पैक्ट था वो 52,000 ईयर्स पहले हुआ था। लेकिन अगर हम इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड इंडियन माइथोलॉजी को माने तो ये 5 lakh saal पहले भी बना हुआ हो सकता है। लोनार सरोवर का इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड इंडियन माइथोलॉजी में भी उल्लेख है। बेसिकली लोनार ये राक्षस लोनासुर के बाद रखा गया है। भगवान विष्णु ने लोनासुर को हराया था, एंड ऐसा कहा जाता है कि लोनार में जो पानी है वो एक्चुअली लोनासुर का खून है। एंड ये जो जीत थी भगवान विष्णु की उसे सेलिब्रेशन में एक मंदिर भी बनाया था जिसका नाम है दत्ता सुदन, एंड ये मंदिर अभी भी वहाँ है एंड काफ़ी पास है लोनार क्रेटर से। अगर आप कभी लोनार क्रेटर विजिट करोगे तो ये मंदिर भी ज़रूर विजिट करना, काफ़ी सुंदर है। इसके साथ ही अगर देखने जाओगे तो लोनार क्रेटर के पूरे पेरिफेरी में काफ़ी सारे मंदिर है, एज मच एज 10 to 12 मंदिर, एंड ऐसा माना भी जाता है कि ये पूरे 12 मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मुगल से स्क्रिप्ट में भी लोनार क्रेटर का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि अकबर हर रात उनके सूप में कुछ बूंदे लोनार सरोवर के डालते थे एंड फिर वो सूप पीते थे। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया, एंड इन 1823 जे अलेक्जेंडर वन ऑफ द ब्रिटिशर्स विजिटेड लोनार क्रेटर, एंड जैसे ही उन्होंने लोनार सरोवर विजिट किया उन्होंने ये वर्ल्ड स्टेज पे रिपोर्ट भी किया कि इंडिया में एक वॉल्केनिक क्रेटर है। एंड उन्होंने जब स्टडी किया था तो उनके हिसाब से ये वॉल्केनिक क्रेटर था, एंड बहुत सालों तक ये वॉल्केनिक क्रेटर के नाम से ही जाना जाता था।
पोस्ट इंडिपेंडेंस काफी इंटरनेशनल रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने विजिट किया लोनार क्रेटर को, एंड देन उन्होंने स्टडी करते हुए ये कंक्लूड किया कि दिस इज नॉट अ वॉल्केनिक क्रेटर, दिस इज अ मेटोरिटिक इम्पैक्ट क्रेटर। इसका कारण ये है कि पेरिफेरीज और लोनार क्रेटर के आसपास मेस्कलिनाइट रॉक मिलता है। एंड व्हाट इज मेस्कलिनाइट? मेस्कलिनाइट इज बेसिकली अ ग्लास काइंड ऑफ रॉक, बेसिकली सैंड कन्वर्ट्स टू ग्लास एट हाई इम्पैक्ट एंड हाई टेम्परेचर। अब वॉल्केनिक क्रेटर अगर होता तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर था, लेकिन हाई इम्पैक्ट हाई फोर्स नहीं था। एंड इसी के कारण साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि दिस इज अ हाइपर वेलोसिटी मेटोरिटिक इम्पैक्ट क्रेटर एंड नॉट अ वॉल्केनिक क्रेटर। सो नाउ टू अंडरस्टैंड वाई द कलर पिंक हैज ऑकर्ड, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वाई द कलर ग्रीन हैज ऑकर्ड एट फर्स्ट प्लेस, राइट? पिंक कलर क्यों हुआ, उसके पहले हम ग्रीन कलर क्यों है ये जानना भी जरूरी है। बेसिकली वाटर तो कलरलेस है, लेकिन हमें फिर भी किसी वाटर बॉडी का ब्लू दिखता है, किसी वाटर बॉडी का ग्रीन दिखता है, किसी वाटर बॉडी का रेड दिखता है, ये क्यों होता है? बेसिकली ये कलर पानी का नहीं होता, लेकिन पानी के नीचे जो कॉरल्स होते हैं या अल्गाइज होते हैं या फंगाइज होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा माना जाता है कि लोनार क्रेटर में बिलो 1 मीटर देर इज नो ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई एन अल्गल ब्लूम हैपेंस। अल्गल ब्लूम इज बेसिकली रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अल्गाए एट अ कन्फाइंड स्पेस। लोनार क्रेटर में भी यही है कि बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर अल्गी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड इसके कारण इसका कलर ग्रीन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन न्यूज, व्हिच इज व्हाई डिड द लोनार क्रेटर टर्न फ्रॉम ग्रीन टू पिंक। सबसे पहले व्हाट्सएप पे काफी फोटोज सर्कुलेट हो रहे थे, वीडियोस भी एक आध दो सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन एक एम्बिग्विटी थी कि ये शायद फोटोज फोटोशॉप हो सकते हैं या वीडियोस एडिटेड हो सकते हैं। लेकिन इसका जल्दी एक क्लैरिफिकेशन मिला जब महाराष्ट्र टूरिज्म ने ट्वीट किया स्टेटिंग दैट द लोनार क्रेटर हैज एक्चुअली टर्न फ्रॉम ग्रीन टू पिंक। इमीडिएटली मिस्टर गजानन खरात, हु इज अ जियोलॉजिस्ट, उनका भी एक ट्वीट आता है रिगार्डिंग द सेम थिंग एंड वो एलोबरेट करते हैं कि कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं एंड टेस्टिंग के लिए भेज दिए। वो एक वीडियो भी जारी करते हैं जिसमें क्लियरली दिखता है कि लोनार क्रेटर हैज टर्न टू पिंक। एंड कुछ ही दिनों बाद खरात जी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो पिंक कलर हुआ है वो बेसिकली सेलिनिटी इंक्रीज होने के कारण हुआ है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बार लोनार क्रेटर का कलर ग्रीन से थोड़ा सा पिंक के तरफ गया है, मे बी लाइट पिंक, लेकिन इतना एविडेंट पिंक आज तक नहीं गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया ईरान के एक लेक के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ भी ग्रीन से रेड कलर चेंज हुआ था। सो मैंने गूगल किया कि ये लेक कौन सा है एंड क्यों होता है। सो आई फाउंड आउट अ रिपोर्ट ऑफ नासा जिसमें दिस फोटो वॉज टेकन ऑन अप्रैल 23rd जिसमें कि लेक उर्मिया इज एविडेंटली ग्रीन एंड ऑन जुलाई 11th लेक उर्मिया टर्न्स टू रेड। नाउ आई सर्च्ड मोर ऑन दिस एंड आई गॉट टू नो that this basically happens when the water content decreases and the salinity increases. Now, sirf salinity increase se ye red nahi hota. Basically, iske andar ka jo alga hai, iske andar ki jo bacteria hai, usme kuch changes aata hai. Helobacteria ek saturated ya highly saturated salt lake mein paayi jaati hai. Aur ye bacteria ek pigment release karti hai jiska naam hai bacteriorhodopsin. I hope maine spell sahi kiya hoga. Ye pigment light absorb karta hai. Aur ye absorb light converts into energy. और ये एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इनटू ग्रोइंग मोर एंड मोर बैक्टीरियाज। ये जो पिगमेंट है तो बेसिकली रेड कलर का होता है एंड अगर सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो मोर एंड मोर पिगमेंट्स आर रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड मोर बैक्टीरियाज आर अगेन फॉर्म्ड जिसके कारण पूरे लेक का कलर कन्वर्ट्स इनटू रेड। और ये सेम फिनोमेना लोनार क्रेटर में भी हुआ है। लोनार क्रेटर इज अगेन हाईली सैचुरेटेड सॉल्ट लेक एंड क्योंकि ये मई का मंथ था, जून का मंथ था, डेफिनेटली पानी रिड्यूस हुआ होगा और सैलिनिटी इंक्रीज हुई होगी और उसी के कारण एक स्टिमुलस मिला होगा बैक्टीरियाज को टू ग्रो मोर एंड दैट्स व्हाई द कलर हैज चेंज फ्रॉम ग्रीन टू पिंक। वाटर सैंपल्स तो टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि यही एक रीज़न है जिसके कारण कलर चेंज हुआ है। शायद बैक्टीरिया अलग होगी, शायद फंगाई अलग होगा, शायद अल्गाई अलग होगी, लेकिन इंक्रीज इन द सैलिनिटी एंड रिलीज ऑफ रेड पिगमेंट्स बाय द बैक्टीरिया यही एक रीज़न हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बता देना एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।